कोरोना वायरस के चलते जहां इंदौर शहर में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसके चलते कई लोगों को आइसोलेशन किया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है और आइसोलेशन के लिए कई कोच तैयार किए गए हैं जो जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिए जाएंगे। इन कोचों में पूरी तरीके से आइसोलेशन की व्यवस्था कर दी गई है, जो आइसोलेशन के दौरान मरीजों की आवश्यकता अनुसार है। वहीं रेलवे PRO जयंत ने बताया कि रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन पर कोचिंग डिपो के और जो डॉक्टर अम्बेडकर महू का लगभग 80 कोचेस का प्लान किया है कि इनको आइसोलेशन वार्ड में बदल जाएगा। साथ ही कहा कि अभी तक लगभग 10 कोच तैयार हो चुके हैं, जिसे जल्द ही हम स्वास्थ्य विभाग को सौंप देंगे। इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट। तैयार हुए, देखिए माननीय, हमारे जो कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में एक महामारी के रूप में फैला है और हम बात करें हिंदुस्तान की, तो भारत में भी इसका काफ़ी प्रकोप है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश एक सूत्र में काम करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। और हमारे भारतीय रेलवे पे हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो कोरोना वायरस की जो बौतायद को देखते हुए जो अपने जो कोचेज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करें, तो उसके तहत रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन पर जो कोचिंग डिपो है इंदौर का और डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू का, उसमें करीब 80 कोचेज का प्लानिंग किया हुआ है। हम लोगों ने कुछ कोचों को अभी बना लिया है, उसको पूरी तरह से उस शेप में दिया है कि जो आइसोलेशन वार्ड में जो जो सुविधाएं होती हैं वो उसके अंदर रहेंगी और एक केबिन के अंदर दो लोगों को रखा गया है और जो बीच की बर्थ थी जिससे कि अनकंफर्ट हो सकता था तो उसको हटा दिया गया है। तो कुल मिला के उसमें टॉयलेट, लैट्रिन और बाथरूम भी हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर है, 3 डस्टबिन को रखा गया है और साथ में जो मच्छर है, मच्छर को अंदर ना आ पाए उसके लिए जाली लगाई गई है। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद हम लोग स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करेंगे और उसके बाद में जो भी वो लोग डिसाइड करेंगे उस तरह से उसको। सर, अभी तक कितने कोच तैयार हो चुके हैं और कितने बचे हैं? अभी तक हम लोगों ने करीब 10 कोच बना लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो टारगेट टाइम था वो 14 अप्रैल तक था, लेकिन उसको पहले बनाते हुए हम लोगों ने ये बना लिए हैं 10 कोचों को और बाकी पे काम चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के हम टारगेट टाइम से पहले उनको कम्प्लीट करके हैंडओवर कर देंगे।